संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ये फुटेज थी सितंबर 2013 की बीजेपी की कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने 2014 के इलेक्शंस के लिए अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का ऐलान किया। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि नरेंद्र मोदी की कैंडिडेसी बहुत अहम होगी बीजेपी के लिए, स्पेशली क्योंकि वो कांग्रेस की यूपीए के खिलाफ लगातार दो इलेक्शन हार गए थे। पर उनमें से कई लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि नरेंद्र मोदी का एक्चुअल प्रभाव क्या होगा बीजेपी के भविष्य पर। और 8 साल बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं। उन्होंने पूरे देश में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ाई है, चाहे वो सेंटर में हो या फिर स्टेट लेवल पर। अब कई कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को इतने इलेक्शन जिता पाए हैं, और उनमें से एक मेजर कारण है कि किस तरीके से वो कंट्रोल आजमाते हैं सरकार पर और अपनी पार्टी पर। और ये सेंट्रलाइजेशन का थीम हम उनकी पॉलिसीज में भी देख सकते हैं। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पर इस सेंट्रल कंट्रोल के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं जब से बीजेपी कुछ स्टेट इलेक्शंस हारने लगी है। महाअघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी को इस बार मात दे दी है। आज आम आदमी पार्टी के लिए जश्न का दिन है, बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दिन है। भारतीय जनता पार्टी वो करिश्मा नहीं दिखा पाती जो उन्होंने लोकसभा में दिखाया, इससे वो भारत के एक मेजर भाग का कंट्रोल खो बैठे हैं। अब हम में से कई लोग बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो स्टेट लीडर्स की जिम्मेदारी है। पर कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिखाया कि जिन कारणों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में पॉपुलर है, उन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी स्टेट लेवल पे अनपॉपुलर है। इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो। हो चुकी है, अच्छे दिन आ चुके हैं। होली से पहले आए यूपी के चुनावी नतीजों में जो रंग सबके सिर चढ़ा वो था नरेंद्र मोदी का रंग। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने की है शानदार जानदार धमाकेदार वापसी, ऐसी वापसी जो दशकों तक याद की जाएगी। अपने पहले टर्म के दौरान प्रधानमंत्री पर ऐसी आशाएं लगी थी कि वो इंडियन इकोनॉमी को टर्बो चार्ज करेंगे, जिस तरह उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी को किया था। टाटा गुजरात एक पार्टनरशिप के नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो गुजरात के डेवलपमेंट को नई दिशा देंगे और नई गति देंगे। और उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, जहां वो बिजनेसेस की दिक्कतें हटा देंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे जिससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और इसीलिए उनको एक विकास पुरुष कहा जा रहा था। पर उनके सामने 3 चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी इमेज चेंज करनी पड़ी एक विकास पुरुष से गरीबों का नेता। आखिर सरकार किसके लिए होती? क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? मेरा ये मंत्र है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। पहला कि 2014 के जनरल इलेक्शंस के बाद ही बीजेपी को हार झेलनी पड़ी दिल्ली और बिहार के स्टेट इलेक्शंस में। दूसरा कि नोटबंदी के बाद इंडियन इकोनॉमी डगमगाने लगी। देश के विकास पर नोटबंदी का असर हुआ है। 2016-17 में विकास दर 7.1% रही, लेकिन नवंबर में नोटबंदी के बाद 2016-17 की आखिरी तिमाही में विकास दर गिरकर 5.6% हो गई। तीसरा कि उनकी आलोचना होने लग गई कि उनकी सरकार बस बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए ही काम कर रही है। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। और ऐसी इमेज को चेंज करने के लिए उन्होंने कई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे उज्ज्वला स्कीम एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, जनधन योजना गरीबों को ज्यादा फाइनेंशियल एक्सेस देने के लिए, और पीएम आवास योजना गरीबों के घरों के लिए। अब इन स्कीम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की इमेज चेंज कैसे करी? यामिनी अय्यर, जो सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च में काम करती है, उन्होंने बताया कि इन स्कीम्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते थे एक वोटर के साथ। वो ये बताना चाहते थे कि जो भी चीजें एक सामान्य वोटर को मिल रही हैं, वो उनके एमपी एमएलए या फिर सीएम की वजह से नहीं मिल रही, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिल रही हैं। और ये तरकीब एक्चुअली काम आई। एक एनालिसिस ने दिखाया कि कई वोटर्स ने 2019 में सरकारी स्कीम्स का श्रेय सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था और ना कि स्टेट गवर्नमेंट को।
अब जैसे मनरेगा स्कीम पर नजर डालिए, 2014 में ज्यादा लोग इस स्कीम का श्रेय स्टेट गवर्नमेंट को देते थे, पर 2019 में ये बदल के सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया कैसे? उन्होंने तीन चीजें यूज करी। पहला, हैवी मार्केटिंग। सारी मेजर वेलफेयर स्कीम्स की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच के द्वारा होती थी, जिनको कई मीडिया चैनल्स लाइव कवर करते थे। इसके अलावा कई इमेजेस सोशल मीडिया में सर्कुलेट करी जाती थी और इन स्कीम्स के बारे में पोस्टर्स भी लगाए जाते थे। और ये बीजेपी के लिए आसान है करना, क्योंकि वो देश की सबसे अमीर पार्टी है और इसके साथ उनकी ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से वो डोर टू डोर कैंपेन्स भी कर सकती हैं। जैसे प्रशांत झा अपनी किताब में बताते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स एनडीए सरकार में शोर शराबे से लॉन्च करी जाती थी। दूसरी चीज थी कि जो भी मेजर स्कीम थी बीजेपी सरकार की, उनके नाम के पहले प्रधानमंत्री शब्द लगा दिया था। अब ये यूपी के दौर में भी हुआ था, पर बीजेपी ने इसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया। इस पेपर का मानना है कि बीजेपी ने ऐसी स्कीम्स चूज करी एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए, जहां प्राइवेट गुड्स दिए जाते हैं जैसे घर, टॉयलेट या फिर गैस सिलेंडर, और ना कि पब्लिक गुड्स जैसे स्कूल, एजुकेशन, जिससे प्रधानमंत्री और वोटर्स के बीच में जो लिंक है वो और मजबूत हो जाता है। तीसरा, कि प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी को यूज किया। अब इसके दो फायदे थे। पहला, कि मानो सेंट्रल गवर्नमेंट को खाद की सब्सिडी देनी है किसानों को, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। बस उनको स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत होती है किसानों की लिस्ट तैयार करने के लिए। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी अब डायरेक्टली लोगों से बात कर सकते हैं, जिससे उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार है। निलंजन सरकार जो एक प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल मॉडल क्रिएट किया नरेंद्र मोदी ने, वो कुछ रीजनल लीडर्स का नुकसान करता है और कुछ का फायदा। अब इसको समझने के लिए इमेजिन करिए कि एक वोटर है और उस वोटर के पास बस दो ही विकल्प है स्टेट इलेक्शंस के लिए, बीजेपी और एक दूसरी पार्टी। वो वोटर कई मुद्दों के बेसिस पर अपना निर्णय लेगा, चाहे वो वेलफेयर हो, जॉब्स हो, कास्ट, रिलीजन, सोशल इश्यूज, डिफेंस या फिर देश की फॉरेन पॉलिसी। जैसी जानकारी इन मुद्दों के बारे में उनको मिलेगी, वो अपना वोट डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेंट्रलाइज वेलफेयर मॉडल क्रिएट किया है, इसलिए वो स्टेट लीडर्स जिनकी खुद की इमेज थी कि वो वेलफेयर डिलीवर कर सकते हैं, उनको ज्यादा नुकसान हुआ है, जैसे शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जो वेलफेयर का मुद्दा है वो इतना बड़ा नहीं होता वोटर्स के लिए स्टेट इलेक्शंस के दौरान। पर यामिनी अय्यर कहती है कि ऐसा नहीं कि हर स्टेट लीडर का नुकसान होगा। कुछ लीडर्स हैं जिनकी जो अपील है वो कास्ट के बेसिस पर ज्यादा है, जिनको इतना भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक बीजेपी के लीडर भी है जिनको शायद इतना नुकसान नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ, जो इंडिया टुडे के हिसाब से सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है हमारे देश के। अय्यर कहती है कि इसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ अपनी वेलफेयर डिलीवरी के लिए नहीं माने जाते, बल्कि अपनी ठाकुर आइडेंटिटी, हिंदी मोबिलाइजेशन और अग्रेसिव पुलिस के लिए माने जाते हैं। इस वेलफेयर मॉडल ने बीजेपी के स्टेट इलेक्शन परफॉर्मेंस पर तो एक असर डाला ही है, पर एक और अंजाम है इसका हमारे देश की डेवलपमेंट पर, और वो भी सेंटर स्टेट के रिलेशंस के जरिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को और मजबूत बनाना चाहते हैं। फर्स्ट मीटिंग विद टॉप पीएमओ ऑफिशियल्स, मोदी स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर। पर इसको मजबूत करने की बजाय ये वेलफेयर मॉडल उसको और कमजोर बना देता है, क्योंकि सेंटर को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है स्टेट्स की एक कनेक्शन बनाने के लिए वोटर्स के साथ। पर जहां बीजेपी की राज्य सरकार है, ये मॉडल तो उधर फिर भी चल जाता है, पर ऐसी स्टेट्स या अपोजिंग पार्टी रूल कर रही है स्टेट को, उधर और नुकसान झेलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय स्टेट और सेंटर एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन में है। और ये हम दिल्ली में भी देख सकते हैं और बंगाल में भी, जहाँ दोनों स्टेट और सेंटर ये बोलते रहते हैं कि दूसरी पार्टी उनको काम नहीं करने दे रही। मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पर ये बस एक मुद्दे की बात नहीं है, चाहे जीएसटी हो या फिर वैक्सीन पॉलिसी, स्टेट्स बोलती कि सेंटर उनके साथ कंसल्ट ही नहीं करता एक निर्णय लेने से पहले, जबकि सेंटर बोलता है कि स्टेट्स उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चाहे स्टेट लेवल में ये मॉडल इतना इफेक्टिव ना रहा हो बीजेपी के लिए, पर सेंटर लेवल में बहुत इफेक्टिव रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक परफेक्ट मॉडल है, कोविड की वजह से ये सक्सेसफुल मॉडल भी डगमगा सकता है। जो वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी सरकार ने डेवलप करी हैं, उन्होंने बीजेपी की छवि बदली है एक अपर कास्ट पार्टी से एक ऐसी पार्टी जो कई लोगों से सपोर्ट मांग सकती है। जैसे 2019 की जनरल इलेक्शंस के दौरान मुस्लिम ग्रुप के अलावा बीजेपी का वोट शेयर सारे ही सोशल ग्रुप्स में बढ़ गया था।
इसलिए कई लोगों का मानना था कि जो मंडल कमीशन की वजह से हमारे देश में राजनीति आई थी वो अब एक पुरानी बात हो गई है। ऐसी राजनीति जिसकी वजह से कई रीजनल पार्टीज उभर के आई थी। इसी वजह से बीजेपी ने 70 में से 62 सीट जीत ली थी उत्तर प्रदेश में 2019 के इलेक्शन के दौरान, इसके बावजूद कि बीएसपी और एसपी एक साथ लड़ रहे थे। पर एक पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट के दौरान जब हमारी इकोनॉमी संघर्ष कर रही है, ये वेलफेयर मॉडल शायद इतना इफेक्टिव ना हो। जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के आसिम अली कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब सरकार लोगों की मदद नहीं कर पाती, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या फिर एक नौकरी की, तब लोग अपने कम्युनिटी पर ज्यादा निर्भर करने लग जाते हैं। इसके अलावा जब एक इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है तो कम्युनिटीज के बीच में कॉम्पिटिशन मैनेजेबल होता है, पर ये कॉम्पिटिशन इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान और बढ़ जाता है। पर आसिम अली कहते हैं कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक क्राइसिस प्रधानमंत्री मोदी के सेंट्रलाइजेशन मॉडल को कमजोर कर सकता है दो तरीकों से। पहला कि जब लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उनकी कास्ट आइडेंटिटी का महत्व भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीजेपी का कई कास्ट ग्रुप से सपोर्ट मांगना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान लोकल पावर्स की ज्यादा अहमियत हो जाती है नेशनल पावर्स के कंपैरिजन में। जैसे आसिम अली कहते हैं कि एक क्राइसिस के दौरान आप एक अस्पताल के बेड या फिर राशन के लिए अपने लोकल प्रधान या फिर काउंसलर पर ज्यादा निर्भर करने लग जाते हैं, पर ऐसी स्थिति में अगर कोई वोटर उत्तर प्रदेश के गांव में है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बीजेपी के लिए वोट किया था 2017-2019 इलेक्शंस के लिए, अब वो अपने ही कास्ट के दबंग लीडर के लिए वोट डालने के लिए ज्यादा सोचेंगे। और इसी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में लोकल और रीजनल पार्टीज की अहमियत और बढ़ सकती है, स्पेशली क्योंकि अभी कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है, इसलिए जो भी बीजेपी का नुकसान होएगा उसका फायदा कांग्रेस नहीं बल्कि लोकल और रीजनल पार्टीज उठाएंगी। पर इसकी थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिल रही है। ऐसे आरएलडी, इनको बस एक सीट मिली थी 2017 के यूपी इलेक्शंस में और जीरो सीट 2019 के जनरल इलेक्शंस में। उन्होंने हाल ही के यूपी के पंचायत इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी का भारी नुकसान होगा। हो सकता है कि वो बस स्टेट इलेक्शंस में ही स्ट्रगल करे पर सेंटर में अच्छा परफॉर्म करते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी पॉपुलर है और बीजेपी के पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल एडवांटेज है। पर इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक मुश्किल पहेली जरूर आ गई है कि वही सेंट्रलाइजेशन का मॉडल जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं, वही उनको नुकसान भी दिला सकता है। पर ऐसा होगा या नहीं, इसका टेस्ट होगा 2022 में यूपी के स्टेट इलेक्शंस के दौरान।